नमस्कार दोस्तों, अगर आपके भी फेसबुक या प्रोफाइल में पेज हैज बीन सम इशू आ रहा है या पेज हैज प्रोफाइल इशू आ रहा है, जैसे कि आप साइड में देख पा रहे हैं इस प्रकार का इशू आ रहा है आपके पेज में या प्रोफाइल में, ये क्यों आता है और इसे आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप फेसबुक या प्रोफाइल यूज करते हैं या पेज यूज कर रहे हैं और आपको ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, ये आता क्यों है? अगर हम किसी का कॉन्टेंट कॉपी करके या डाउनलोड करके डाल देते हैं तब ये हमारे फेसबुक पेज या प्रोफाइल में ऐसे कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, जिसके चलते हमारे पेज या प्रोफाइल में इशू आने लगता है। इस इशू को प्रॉब्लम को दूर कैसे करना है, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। सो गाइस, वीडियो पर बने रहे, वीडियो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट और यूजफुल होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूले, ताकि ऐसी हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपके भी फेसबुक पेज या प्रोफाइल में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको कैसे दूर करना है, सबसे पहले आपको फेसबुक आ जाना है। फेसबुक पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस नज़र आएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप प्रोफाइल स्टेटस चेक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस नज़र आएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर कॉपीराइट जो यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोफाइल हैज़ सम इशूज़, प्रोफाइल यहाँ पर लिखा है और पेज हैज़ सम इशूज़ अगर आपका लिखा आ रहा है और आपकी प्रोफाइल ऐसे शो कर रही है, यहाँ पर कॉपीराइट आया हुआ है, नीचे आप देख पा रहे हैं कॉपीराइट। अब इसको दूर कैसे करना है, तो सबसे पहले इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बिना मिस किए आपको कॉपीराइट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही कॉपीराइट के ऊपर क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पेज है जो कि इस प्रोफाइल के साथ लिंक है। आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको शी ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सबमिट एंड अपील के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर एक कॉपीराइट अपील फॉर्म आएगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर योर नेम डाल देना है और यहाँ पर ईमेल आईडी डाल देनी है और यहाँ पर क्लिक करके डाल देना है और यहाँ पर जो कंटेंट है उसके बारे में बता देना है जो आपने यूज़ किया था, और यहाँ पर भी आपको बता देना है मिस्टेक हो गया था, गलती हो गया आपसे, आगे वाले जिसने कॉपीराइट मारा उसके बारे में लिख देना है कि मिस्टेक से मैंने डाल दिया था, मुझे नहीं पता था, या जो भी आपको मैसेज में यहाँ पर लिख सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर उसके फ़ोटो है तो फ़ोटो अपलोड कर दीजिए, उसके बाद यहाँ पर ओके कर देना है और यहाँ पर अपना नाम डालकर सिग्नेचर कर देना है और सेंड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेंड पे क्लिक करेंगे जिसने कॉपीराइट किया उसके पास ये चली जाएगी अपील और वो आपके जो वीडियो पे कॉपीराइट मतलब चैनल पे मारा है वो हटा देगा। तो इस तरह से आप अपने जो प्रोफाइल या पेज को है सही कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम समस्या आ रही है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा और ये पेड सर्विस रहेगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपके फेसबुक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कंटेंट को लेकर प्रॉब्लम है या मोनेटाइज अगर आपका नहीं हुआ है तो उसके लिए प्रॉब्लम है, या कोई भी फेसबुक पेज या प्रोफाइल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करवाने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो न्यू अपडेट के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।